फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊं किस तरीके से आप एक फिंगरप्रिंट लॉक बना सकते हैं। तो इस लॉक को किस तरीके से बनाना है और इसके लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट लेने पड़ेंगे वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस फिंगरप्रिंट लॉक को किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस फिंगरप्रिंट लॉक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको NE555 टाइमर IC लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपको एक इस तरीके की ग्रीन कलर की LED लेनी पड़ेगी। आप LED कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक कॉपर के वायर को इस तरीके से मोड़ के आपको दो इस तरीके के फिंगर टच सेंसर बना लेने हैं। तो इन सारे कंपोनेंट से हम एक फिंगरप्रिंट लॉक बनाएंगे। तो इसे किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इस IC के पिनों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ये इस IC का कटा हुआ भाग है, यहाँ से इसकी पिन की काउंटिंग होती है। इसका पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से इसकी पिन की काउंटिंग होती है। तो इसके जो फिंगर सेंसर हैं वो हमको कौन से कनेक्शन पे जोड़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इस IC के पिन नंबर 1 पे और पिन नंबर 6 पे इस तरीके से हमारे जो फिंगर सेंसर हैं वो आपको कुछ इस तरीके से सोल्ड कर देने हैं। यहाँ पे एक सेंसर हमारा स्विच को ऑन करने का है और दूसरा स्विच को ऑफ करने का है। तो अब इसके बाद इसका कौन सा कनेक्शन कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब इसका फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ यहाँ पे एक LED सोल्ड कर दी है। LED का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे IC के पिन नंबर 3 पे दे दिया है और नेगेटिव पॉइंट मैंने यहाँ पे IC के पिन नंबर 1 पे कुछ इस तरीके से सोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने पीछे से इसे इसके थोड़ा दूर रखा है ताकि इसका कोई भी पॉइंट आपस में टच ना हो। तो आपको भी इसी तरीके से इसे सोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स, आप इसे LED की जगह पर रिले भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कहाँ से सोल्ड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब इसका फ्रेंड्स, आपको इसके साथ यहाँ पर दो वायर सोल्ड कर लेने। पॉजिटिव वायर मैंने यहाँ पर पिन नंबर 8 पर दे दिया है और नेगेटिव वायर मैंने यहाँ पर पिन नंबर 1 पर दे दिया है। तो इसके साथ हम एक 4 वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे। तो चलिए, इसके साथ मैं 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारा ये सर्किट किस तरीके से वर्क करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमारे जो फिंगर सेंसर वो यहाँ पे वर्क करता है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।